ये देखो किसान भाई हो, पूरी बैठ रही है बिल्कुल, जो अपनी यह जेसीबी है। आप बरवाड़ा साइड जान लग रहे शायद, जो खरक कुनिया गांव है क्या, अरे भी इसका अगले निकाल लेंगे थी, रोड पे खड़े थे। अबे देखो व्हीकल आ रहे जा रहे हैं, देखो देखांगे भी ठोकर के काटेंगे, टोचन टाचन लाएंगे तैयार कर दी है। ये इनके जो मालिक है उनसे बात करते हैं। और राम राम भाई। राम राम भाई। तो भाई अपनी जो यह मशीन है किस पर्पज से उतारी थी आपने? भाई साहब ये पर्पज ये था कि गांव में पानी चढ़ गया था। अच्छा। बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, और पानी उतारने के लिए अपन ट्रेन की जो खड़ी थी, डीसी साहब आए थे अपने गांव में। अच्छा। डीसी साहब ने जायजा लेके गांव का, और इसमें एक रास्ता निकाला था पानी निकालने के लिए। अच्छा। तो ये रास्ता जो हमने खोदने के लिए यहाँ पे देखा कि भाई रोड के नज़दीक हम इसको खुदाई करते हैं और पानी निकालते हैं। ठीक है। तो ये ड्रेन हमने एक महीने पहले खोदी थी। हाँ। और इस गांव का पानी उतर गया है और इसको हम दोबारा बंद कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कम से कम 20 मशीनों वाले, सारे मशीनों वाले आए थे, सारे मना कर दिया था कि भाई यहाँ पे नहीं खुदेगी। अच्छा। ये दसती रही है, कम से कम 20-30 बार मशीन दसी, हाइड्रा बुलाई निकाली है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा। लेकिन अब पानी उतर गया। अच्छा उतर गया पानी। हाँ जी पानी उतर गया। और यू पानी कहाँ निकाल लिया आपने? जो ये खरक पुनिया के और पतौड़ के बीच में नहर है। अच्छा। इस नहर में निकाला था। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ। और ये अब बंद कर रहे हैं, दशगी थी इसलिए हाइड्रा बुलाई है, अब निकाल रहे हैं। ठीक। तो ये देखो हाइड्रा अपनी अब निकालने की तरफ जा रही है। देखांगे निकल पाओगी कि या नहीं, जो अपनी मशीन है देखो कितनी जमा बिल्कुल धरती में मिल रही है या मशीन अपनी। जो रोड पर दिखा दे, रोड पर जाम लग चुका है। और ये देखो आप रोड पर भी जाम लग गया बिल्कुल, अपनी हाइड्रा मशीन है जो इसी खोलने लग रहे हैं अभी, इसका टोचन टाचन कराएंगे बांधेंगे। ये देखो बिल्कुल जमा पूरी धरती में टिकली है। और ये जो अपनी ड्रेन है इसी लग रहे मुंदनी है भाई, और उस साइड तो देखो अब मुंद ध्यान लग रहे हैं। ये देखो भाई अब टोटल कर दिया है। देखो किसान भाई ये कितनी ज़्यादा फंसी हुई है अपनी जो चैन वाली जेसीबी बोलते हैं इसको देसी भाषा में। ये देखो कितनी दलदल, अपना डोंगा भी रस्ते पूरा बैठ गया है साथ के साथ, और ये अपनी क्रैन लगी हुई है इसको निकालने में। देखो भाई यो कितनी दूर लग वहाँ पर फैली हुई है अपनी क्रैन, जो रोड पर साधन भी कितनी मुश्किल से निकल रहे हैं। अभी देखते हैं अब अपने आप निकल पाएगी या फिर इसके साथ ही टोचन करके बाहर निकाल लेंगे या आगे काम शुरू करेंगे। देखो किसान भाई यो कैसे अभी भी शायद इसको क्रेन से ही निकाल लेंगे। देखो किसान भाई अपनी पोपलाइन है, जो इसको असली पोपलाइन बोलते हैं, जो अपनी चैन वाली जेसीबी है देसी हिसाब में। तो भाई एक बार तेरा नाम पता और बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है, पतौड़ मेरा गांव है। अच्छा। और मोबाइल नंबर 8383881757। ठीक है। मशीन आप टायर वाली भी रखा, टायर वाली भी, पोपलाइन भी, अपने सारी मशीन। अच्छा। है। तो कोई किसान भाई काम कराना चाहो तो संपर्क कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ काम कराएंगे। और गांव के लिए ये रिस्क ले रखा अपन है। अच्छा। ये यहाँ पे मशीन सारे मना कर रहे थे। हाँ। यानि कि अपन गांव के लिए अपन ने रिस्क लिया था, और मशीन अपन 3 महीने हो गए इसके अंदर अपन बैठ रखी, 10 कम से कम 20-30 बार दस ली। अच्छा। तो भी यहाँ पे गाँव के समर्पित कर रखी है।
और जो अपनी हाइड्रा है या ये अपना हाइड्रा किराए पे बुलावा जी बरवाला से। अच्छा बरवाला था। बरवाला था ठीक है। कितनी दूर पड़ जाए बरवाला अपना? बरवाला यहाँ से 7 किलोमीटर है। अच्छा ई भी आगे आप लिखट जाएगी है क्या? भी निकाल लेगी जी। अच्छा पूरी दलदल हो रही है? दलदल ज्यादा है जी। चौवा के चौवा ऊपर आ रहा है, एक ऊपर चौवा आ रहा है। अच्छा जी। तो प्रेफर इसी बाहर ही निकाल लेंगे जी, एक बार आपकी जगह ही बना लेगी और दोबारा हाइड्रा लगा के निकाल। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। ए नाम छोटे भाई, मेरा इशू के करो आप बैठा है। हम पानी निकाल रहे थे हमारे गांव का, उतर के पानी अब हम बंद कर रहे हैं। अच्छा ड्रेन ने मुंदो हो है? हाँ। अच्छा आपने या मशीन है? हाँ। अच्छा ठीक है छोटे भाई। तो भाई यो देखो कितनी दलदल बैठती जा रही है और साइड घुमाई अपने हाइटर आ गई, कुछ साइड तभी बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। तो किसान भाई यो देखो अब जो अपनी क्रैन है इसको बिल्कुल ही बाहर निकाल लेंगे पोप लाइन को क्रैन के मदद से। और अगर किसी भाई को क्रैन से अपना काम करवाना हो, क्रैन की कोई मदद चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कार्ड देखो, अवतार क्रेन सर्विस सरदार अवतार सिंह, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये बरवाड़ा में इनकी ये शॉप है, बरवाड़ा में इनकी शॉप है जो अपनी डिस्ट्रिक्ट हिसार, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई क्रेन का काम हो हरियाणा के अंदर अपना ये। तो अभी आगे वीडियो को देखो, इंजॉय करो। और तो तुम देखो आप कहां पर लगाया है, बिल्कुल जो अपना पीछे का फ्रेम है इसका इसमें लगा दिया है, क्योंकि ये पूरा है भी हो गया दलदल। देखो कितनी ज़्यादा है। और ये देखो भाई, देखो आप कितना हो गया है, मिट्टी जमा हो गई है। और अपनी पोप लाइन भी देखो पीछे से हड़की हड़की उठ चुकी है, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से धसी हुई है। ये देखो यहाँ पर पीछे मिट्टी कितनी जमा हो गई है इसके, और यहाँ पर किस प्रकार से अड़क चुकी है ये। ये देखो भाई अब तीसरी बार टोच लगाएंगे, क्योंकि अगर वहीं से घिसेंगे इसको जो अपनी पोप लाइन है क्रेन से हाइड्रा से, तो ये उस पेड़ में लग जाएगी। इस करके थोड़ा इस साइड कर लिया, जो अपनी क्रेन है हाइड्रा है इसका हुक है जो अपना, बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है यहाँ पर दलदल में और भीड़ भड़ाके की जगह है। ये देखो अभी ये वो निकला ही, और अपनी हाइड्रा देखो पीछे से उठ रही है किस प्रकार। और ये देखो पीछे से उठ गई भाई, ओ हो हो हो। ये देखो भाई अब चौथी बार टोचन लगा रहे हैं अपना है जो, और वहाँ से आप चेक करो बिल्कुल इसका पैर है जो धरती में गट चुका है। ठीक है जी, ये देखो भाई कितनी भारी भरकम मशीन भी पीछे से उठ गई, इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है, और वो देखो इसका पैर पूरा धरती के अंदर गट चुका है। तो भाई यो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की है जो अपनी। थोड़ा इस साइड सफेदा है जो इसकी आंट लग रही है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो रहा है। देखो किसान भाई यो कितनी ज़्यादा दलदल है, पीछे से पूरी बैठ गई है। अब फिर अभी भी अकेली नहीं निकल सकती, इतनी ज़्यादा दलदल हो चुकी है। ये देखो भाई इसको उठाने की कोशिश कर रहा, उठ ही नहीं रही है ऊपर। देखो आप बिल्कुल धरती में टिक चुकी अपनी मशीन है जो, भाई देख रहा है पूरी कोशिश करके जी जान लगा कर निकल जाए तो, दलदल इतनी ज़्यादा भैड़ी हो चुकी है यहाँ पर। देखो भाई अभी इतनी ज़्यादा दलदल हो गई है, मशीन है जो अपनी ऊपर से घूमती है ना इसका मुंह, ये भी नहीं घूम रहा दलदल से। मैंने अभी आपको दिखाया पीछे से इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है, अभी लगता है दूसरी एक और मशीन बुलाएंगे जिससे कि दो मशीनों से आराम से निकल पाए ये। तो देखो किसान भाई यो जेसीबी बुलाई है एक और अपनी, इसको पोप लाइन को निकालने के लिए, हाइड्रा ये खड़ी अपनी।
ये देखो इस साइड तो थोड़ा धक्का लगाने की कोशिश कराएंगे। देखो अपना जितेंद्र भाई वेट गया है, ये पूछती उस साइड सरकार ने कोशिश करा है, देखते हैं कि कुछ रहेगा। सैन में डाय रखी है, ये देखो अब थोड़ी जो इसकी ये मिट्टी है इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। इस मिट्टी को हटाएंगे जिससे कि अपना इसका कैबिन है ये उस साइड घूम कर चला जाए और फिर कोशिश करेंगे। तो अब देखो इसका जो अपना कैबिन है ये इस साइड आ गया घूम कर, उस साइड से थोड़ा सहारा लेकर ये घूम गया अपना कैबिन। तो कैसे दिखती आ रही है अपनी क्रैन है, जो अपना ऐसी वीडियो पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी जैसी आप देख रहे हैं आप हमारे चैनल पर। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी जल्दी और वीडियो को भी लाइक कर दे शेयर कर दे किसान भाइयों। अभी अपनी जेसीबी भी लग चुकी है और पोप लाइन को निकालने की कोशिश चल रही है पूरी क्रेन की। अब देखते हैं क्रेन का क्या कुछ सीन रहेगा अभी उठेगी के, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा हो जाता है इसमें और भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा है। भीड़ भड़ाके के कारण अभी तक निकल नहीं पाई है, वरना अभी तक तो निकल जाती है। रोड पर भी जाम लगने की संभावना हो जाती है कभी कभी। तो वो देखो अपनी पोप लाइन और क्रेन है जो किस प्रकार से पीछे से उठ रही है। वो देखो अपनी पोप क्रेन है जो किस प्रकार से उठ चुकी है वहां से। देखो भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए। देखो अपनी जेसीबी भी ला कर पका दी, आगे से बिल्कुल ही बैठ गई है। देखो भाई यो कैसे बिल्कुल मुद्दी मन आड़े आसार हो गए, क्योंकि कैबिन पूरा बैठ गया धरती में और उस साइड तो जो अपनी जेसीबी वो इस साइड दुकान लग रही है। जेसीबी इस साइड दुका हुआ है और क्रैन पीछे सा रही थी, शायद अब की बार निकल जाइए कोशिश है। तो रोड पर बिल्कुल जाम लग गया है पीछे लग अपनी क्रेन का। आप ये देखो लोडर है जो वो भी पूरा बिल्कुल गहरा बैठ चुका है दलदल का, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। देखो आगे धकेल रही है भाइयों, वो इंजन के हट गई वहाँ पर चेन, रेस खोलन लग रहा किसान भाई भाई। ये देखो आप बिल्कुल चैन जमाए बैठ गई, मशीन बंद हो गई यार ऊपर तक रेस खुलता था भाई मशीन इस करके बंद हो गई। तो लाया भी किसान भाई यही बाप ने देखी बंद हो गई थी अपनी मशीन गरमाई करके, रेस खोला था भाई तो उस टाइम बंद हो गई फिर स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि गर्म हो गई थी मशीन ज़्यादा। और ये अपनी जो यार क्रेन है बोर्ड का लगाई है पांचवी छठी बार लगाई है क्रेन भी, बहुत ज़्यादा दिहाड़े हो रहे भाई ने। इस साइड अपनी एजेंसी भी खड़ी है, देखो भाई यो फिर इनकाली कोशिश है बाहर निकालने की थोड़ा ऐडा है ये देखो बिल्कुल सच हो रहा पेट का झुकाव इस साइड से है। ईब देखो किसान भाई यो पूरा लंबा टोचन कर लिया अपना रोड का बिल्कुल इस साइड आ लिया अपनी क्रेन, ईब सहारा गई थी। देखो बहरान लग रही है,
और देखो पासा उठ गया जमा बिल्कुल मशीन का। देखो अरे के बुरा हाल मचाया जी है जमा पास गोड़ी की जान लाएगी वर्क है। देखो अभी तो पूरी बैक तो उठान लग रहे मशीन ने। देखो भी और देखो आप अगर कितनी ज्यादा दलदल में बैठ चुकी है अपनी पोपलाइन है कि इसका बाहर निकलने का टाइम हो गया है इसका। वहाँ पे छाबड़ा हम हो जाए खड़िया क्रैन का ही इसका मशीन का। ये देखो आप ये भी बिल्कुल अंदर ही बैठ गया अपनी पोप लाइन ने। देखो आप पीछे से कितनी उठ चुकी है सॉरी पोप लाइन के क्रेन पोप लाइन दोनों ही अपनी पास बहुत ज़्यादा उठ चुकी हैं। चलो आप तो उस साइड तक दिखाते हैं अपनी फाइनली मशीन बाहर हैगी। पीछे पीठ जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है आगे। लो जी अपनी मेहनत सफल रही। जैसी वीडियो लगे वीडियो लाइक कर दियो शेयर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दी दिखा दी एक वायगी पाछा दाए। देखो भाई यो दलदल कितनी मैच की भी किसान भाई यो फाइनली अपनी मशीन एच की है बैर बहुत दिहाड़े आता है आपने कम से कम हो गया दो ढाई घंटे हो गए मां।